चैनल है पैरट वर्ल्ड बर्ड्स के नाम से। जिस भाई को ठंडे पानी चाहिए होएगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, टाइटल में लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप भाइयों को आसानी से उस चैनल में भी जाने की मदद होगी। उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है ठंडे पानी की। आप लोग उस पर भी जाके उस पर विजिट करें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे, मेरी दुआ आप लोग के साथ है। तो पीछे आपको डब्बे दिख रहे होंगे, तो वो हमने चिड़ियों को पानी और दाना रखा हुआ उस डिब्बों में। तो आज की जो वीडियो है आप भाइयों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक खेल, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आप भाइयों को खेल बताया है, तो आज भी आप भाइयों को एक खेल पानी बताएंगे। जैसे कि कबूतर जिस भाई के तावे नहीं ले रहे होंगे, तावों के ऊपर ये खेल बताएंगे, ताकि उस भाई के कबूतर जो है ना तावे लेना शुरू हो जाए और अच्छे हो जाए। तो बाहर ही आए हुए थे, घर के बाहर से स्टार्ट किए वीडियो, तो ये हमारे घर के बाहर का लुक है। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर छत पे, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर। एक भाई आए हुए हैं, ठीक है, तो पिकअप है हाईलक्स पिकअप है, 2007 मॉडल है, तो ये हाईलक्स है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपको अपना खेल बताएंगे, चलते हैं अंदर, अंदर चल के बैठ के आपको इंशाल्लाह खेल दिखाएंगे, जो खेल बताएंगे भी सही, और उसके साथ साथ स्क्रीन में पिक्चर भी लगाएंगे, ताकि आप भाइयों को सामानों का भी पता चलता जाए। तो साथ बने रहना, और जो चैनल में नए आ रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो उसको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अंदर, तो इंशाल्लाह अंदर चल के आपको एक जगह में बैठ के तो खेल बताते हैं, तो साथ बने रहना। तो व्यूअर्स अंदर आ चुके हैं, तो सामान बताते जाएंगे आप भाइयों को, तो नोट फरमाना, जो जो चीज़ें बताएंगे वो सारी चीज़ें आपने नोट फरमानी है। तो सबसे पहली चीज़ आपने लेना है आंवा हल्दी, ठीक है, आंवा हल्दी लेनी है सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपने लेनी है आंवा हल्दी, ठीक है। आंवा हल्दी के आपने 50 जीसे लगाने हैं, जिस भाई के कबूतर तावे नहीं ले रहे उसके लिए ये खेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है आंवा हल्दी, आंवा हल्दी के आपने 50 जीसे लगाने हैं इस पानी में, और अच्छे तरीके से रगड़ के लगाने हैं, ताकि पानी में जो है कलर आ जाए, ठीक है, सही है, पानी में जो है कलर आ जाए। तो अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं, दूसरी चीज़ आपने लेनी है हड़, हड़ आपने लेनी है, उसके भी आपने 40 कीसे लगाने हैं पानी में, और स्क्रीन में पिक्चर भी देता जाऊँगा। आंवा हल्दी क्या करती है, ठीक है, और हड़ क्या करती है, दोनों चीज़ों की मैं आपको तफसील बता देता हूँ। आंवा हल्दी क्या करेगी, कबूतर के सीने कुंदे हल्के करेगी, और हड़ जो है वो अंदर से कबूतर को थोड़ा खाली करेगी, उसमें हल्की सी छलपन पैदा करेगी, ताकि उसको उठने के पर तमन्ना देगी, ताकि वो कबूतर के अंदर थोड़ी सी छलपन होगी तो वो फटाफट, जैसे ही चक्की ख़त्म तो फटाफट तावे लेगा। तो इसी के साथ अपनी छोटी सी मैं तावों की वीडियो भी आपके साथ क्लिक कर दूंगा, ताकि आप भाई वो भी देखें जिस हिसाब से मेरे कबूतर तावे लेते हैं। तो ये देखें मेरे कबूतर तावे ले रहे हैं, चक्की डालता हूँ, चक्की जैसे ही ख़त्म होती है तो कबूतर तावे में खुद ब खुद तावे लेने जा रहा है। आपके सामने ये वीडियो, अगर ये पानी आप लगाएंगे अपने परिंदों में तो इसी तरीके से ही आपका कबूतर तावे लेगा, जैसे मेरा कबूतर तावे ले रहा है, चक्की ख़त्म होते ही तावे ले रहा है, ना सीटी ना शोर किसी चीज़ से नहीं, बिना शोर के ये कबूतर तावे ले रहा है। बस कबूतर जैसे ही जाता है, वापसी आ रहा है, उससे पहले मैंने दाना फैलाया हुआ छत पे, और कबूतर दाना खाना शुरू थे। अब तो नहीं रह गए, अब तो मैं दुबई में आया हुआ, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान जाने की तैयारी बनाई हुई है, इंशाल्लाह जब जाएंगे तो वहाँ पर भी कबूतर रखेंगे। तो वही छोटी सी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, स्क्रीन में जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आपने लेनी है मुलेठी, ठीक है, मुलेठी इसके लिए कह रहा हूँ ताकि कबूतर अगर गर्मी में होएगा तो उसको थोड़ा ठंडा भी करेगा, और गर्मी में कबूतर को रुकने नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए मुलेठी के आपने 50 से लगाने, थोड़े हल्के हाथ से रगड़ना, ताकि पानी में कलर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने लेनी है काली मिर्ची, काली मिर्ची के आप तकरीबन 3 दाने लेना या 4 दाने लेना, ज़्यादा नहीं लेना,
इसको भी पानी में आपने घिस देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अगली चीज़ आपने लेनी है बादाम। बादाम आपने तकरीबन 4-1 दाने ले लेना, ठीक है, या 5 दाने ले लेना, ठीक है। 4 से 5 दाने लेके इसको तकरीबन आपने अगर गर्मियों में दे रहे हैं, गर्मी में, तो आपने तकरीबन 16 से 17 घंटे के बीच में, और जो दोपहर को ज़्यादातर तकरीबन 2 बजे 1 बजे 2 बजे करीब ला रहे हैं, तावे दे रहे हैं, तो उसके लिए तकरीबन ये 16 घंटे के भीगे हुए बादाम होंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर मौसम थोड़ा फ़र्क हो गया तो 5-6 घंटे के भीगे हुए बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप भाई ने ये सारी चीज़ें नोट फरमा लेनी है, और मैं स्क्रीन में पिक्चर भी आप भाइयों को दे दूँगा ताकि आप भाइयों को आसानी हो जाए। जो जो चीज़ें मैं बताई है वो सारी स्क्रीन में भी होंगी ताकि आप भाइयों को आसानी रहेगी इसको आपने परचेस करने में, ठीक है। तो अब अगली चीज़ आपने क्या करना है, तो अगली चीज़ आपने लेना है, अगर आपको सौंफ का पानी मिल जाए, सौंफ का, ठीक है, सौंफ का पानी मिल जाएगा तो वो भी बहुत ही बेस्ट है, सौंफ का पानी, ठीक है। सौंफ का पानी मिलेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके आपने ढक्कन जो है उसी के सौंफ के पानी के जो बोतल के ऊपर जो ढक्कन है वो तकरीबन 3 ढक्कन आपने इस पानी में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका ये पानी जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और पानी में मज़ा भी होगा, कबूतर हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा अंदर से, उसको फ्रेश भी हो जाएगा। और दूसरी एक बात आप भाइयों को ये बताना था कि मेरा एक और चैनल है पैरेंट वर्ल्ड बर्ड्स के नाम से, जिस भाई को ठंडे पानी चाहिए होएगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, टाइटल में लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप भाइयों को आसानी से उस चैनल पर भी जाने की मदद होगी। उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है ठंडे पानी की। आप लोग उस पर भी जाके उस पर विज़िट करें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सलीम भाई को दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।